मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला के साथ कुछ लोग सरेराहा मारपीट कर उसे सड़क पर गिराकर भाग गए। आसपास के लोगों ने दो मासूम बच्चों के साथ सड़क पर गिरी महिला को उठाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से जानकारी ली और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिर वे सारे एक देवर थे एक जेठ थे। अरे एक हमारी नंदर तीनों ने आके घर पर चढ़ाई करी, तुम घर का मुआयना कर लो, सारे गेट तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए। वजह क्या है? क्या वजह? आए दिन ऐसी करते, जमीन जमीन उन्होंने अपने नाम करा ली सारी। आए दिन यही करते, धमकी देते, मारते, पीटते। आज किस लिए आए थे? अपने आप ही ऐसी गाली गलौज कर रहे थे। एक को हमने अंदर बंद कर लिया, फिर उसे छुड़ाने सारे आए, आके सारा गेट तोड़ दिया, बदतमीजी करी खूब। तो फिर हमने 100 नंबर को कॉल करा, 100 नंबर ने फोन नहीं उठाया। फिर पुलिस आई थाने वाली, थाने वाली पुलिस सबको थाने लेके चली गई। मैं भी अभी थाने जा रही थी तो मुझे यहाँ पे 30 सड़क पर पकड़ के और सबके सामने, आप भी यहीं पे थे, सबके सामने मुझे मारा यहाँ पे। कौन थे मारने वाले? वो था राहुल कुमार शर्मा। कौन है वो? मेरा देवर है छोटा मुझसे। आपके साथ बच्चे भी थे? बच्चे मेरे, ये दोनों बच्चे हैं, ये एक है, एक अब आपका, आप पुलिस को कॉल किया आपने? पुलिस को गई, उन्हें सबको पकड़ के लेके गई पुलिस, उन्हें थाने ले गई है। अब आप क्या करेंगे, क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरे साथ करा, मैं भी ऐसी मारूंगी उसको। उन्हें सबके सामने सड़क पे मेरी बेइज्जती करी है। आए दिन ऐसी करता, एक दिन नहीं 50 बार उसने यही काम करता, हमेशा गुंडों को लेके आता, पीछे भी गुंडे लेके आए। पति का नाम क्या है? श्रीकांत शर्मा। अपना नाम और बता दीजिए। नबीता शर्मा। सर थाना मझोला में खुशहालपुर में एक विवाद सामने आया है, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? सर मझोला थाना क्षेत्र में खुशहालपुर चौकी क्षेत्र में किसी पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में आपस में उनका विवाद हो गया है, जिसमें वो दो पक्ष मारपीट कर लिए हैं। हम लोग दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त करके मेडिकल करा के आवश्यक विधिक कार्रवाई करवा रहे हैं। सर महिला के साथ भी मारपीट की गई है और पथराव भी किया गया है उसके घर पर। हम इसकी जाँच कर रहे हैं कि उसमें घटनास्थल पर क्या क्या हुआ है। जो महिला के आरोप लगा रही उसके आरोप की भी जांच की जाएगी, उसकी तहरीर के आधार पर जो धारा बनती है उस संबंधित धारा में हम लोग मुकदमा पंजीकृत करेंगे। हमें उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई कराएं। कितने लोगों के लिए मेडिकल कराया गया है? दोनों पक्षों से कुछ लोग आए हैं जिनको मेडिकल के लिए भेजा गया है, उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, हम लोग विधिक कार्रवाई करवा।